लाइफ एंड डेथ का मैटर है बड़े भाई। ज़्यादा बोला ना तो यही गाड़ दूंगा 2 गज जमीन के नीचे। बड़े भाई हम कहाँ रहते हैं? क्या मतलब? हमारा एड्रेस क्या है? पाली हिल्स। पाली हिल्स? हाँ। अरे ये भी पाली हिल्स ही है, अमीरों की। और अपनी एक पाली हिल है, झोपड़पट्टी, गंदी बस्ती, और हम सब टपोरी लोग। तो क्या पूछ रहे हो आप? थू, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। बस्ती में मरने वाले की क्या कीमत होती है? पाली हिल में मरने वाला फ्रिज में रहता है, और हमारे यहाँ घंटे में जला दिया जाता है। ये सब ना पैसे का खेल है बड़े भाई। तू क्यों जल रहा है यार? एक्चुअली बात यह भाई, पूजा नाम की एक लड़की है, पाली हिल्स में रहती है। उसकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है। एकदम माला माल पार्टी है, ऑलमोस्ट टाका भिड़ गया भाई। आप एक बार मदद कर देंगे ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। कर दो ना बड़े भाई। तेरा क्या फायदा इसमें? ये सेट तो मैं भी सेट, ये मालिक तो मैं, इसका ड्राइवर। कर दो ना बड़े भाई, कर दो ना। कुछ तो करो ना भाई। अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूं? मैं बैंक नहीं चलाता हूं, मैं भजन पार्टी चलाता हूं। प्लीज बड़े भाई, प्लीज प्लीज कर दो ना, कुछ कर दो ना। अच्छा राजू, ये बेच दे, ये गाड़ी मस्तान भाई की गाड़ी है, आपको खरीदनी है, बेच दूंगा। हमने उसे केबल के पैसे नहीं दिए तो वो मेरी उंगली के पीछे पड़ा था। अगर आप उसकी गाड़ी खरीद लेंगे तो वो पता नहीं मेरा क्या क्या काट देगा। करेक्ट, समझ गया। अगर इतना पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तू नहीं कर सकता। बताओ, चेन को खींचो। चेन? चेन खींचो? ट्रेन की चेन? औरतों के गले की लटकती हुई चेन बे, उसको खींचो। क्या बड़े भाई, औरतों की चेन ये क्यों खींचे? चुप, बता देता हूँ। अमीर बनना कोई खाने का काम नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए टेढ़ा काम करना ही पड़ेगा। अपुन की भी कोई रेपुटेशन है समझा? ये कोई चोरी वोरी नहीं करने वाला। अरे तो भड़क रहा क्यों है? अपुन टपोरी है, चोर नहीं। हाँ तो ठीक है ना, मैं आइडिया दे रहा था, लेना है तो ले, शाम तक चेन लेकर आ जाऊंगा। ये क्या बोल रहे तू? मेरा वादा रहा, आधे घंटे में पैसे ला के दूंगा, पैसे तैयार रखना। ए राजू, एड़ा हो गया क्या? अच्छा सुन सुन सुन, क्या कर रहा है तू? मोटी वाली चेन मत खींचना। क्यों? बेचना मुश्किल हो जाता है। ओके अच्छा सुन 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 सुन, एक और बात है, पतली चेन भी मत खींच लाना, वो भी नहीं बिकती है। तुम भी आ जाओ। क्यों? खींचने से पहले नाप तो लेना। बाबा, किडनी कहाँ पर होती है? मुझे पता ही नहीं है। वो यहाँ इधर होती है। बाप रे, कैसे निकलेगी बाहर? आपने तो कहा था कि लोहा घुसेड़ कर निकालते हैं। लोहा नहीं पद्मा, डॉक्टर चाकू से निकालते हैं। बच्चू भाई का असल पैसा भी नहीं चुका पाता अगर मैं अपनी किडनी न बेचता। ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। गरीब आदमी का अपना बच्चा ही उसकी जायदाद है बेटा। मैं अनपढ़ था, मेरा लड़का अनपढ़ था, तू भी अनपढ़ ही है। तेरा बच्चा तो पढ़ लिख जाएगा, अगर पढ़ लिख गया तो 2 वक्त की रोटी तो कमाएगा। ठीक है बाबा, शानू को मैं बहुत पढ़ाऊंगी, बस इसलिए मुझे किडनी नहीं, चाहे पूरा शरीर बेचना पड़े। लेके गड्डी के छत पे मत आ, नीचे बैठ। ओए अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अंदर बैठ नहीं तो उड़ जाएगा। बैठ। अबे ओए सरदार, मेरे बाप को क्यों खींच रहा है? हम लोगों ने तेरे को हरा दिया, अब क्या करेगा? रुक जा। ए क्या कर रहा है? क्या कर रहा तू? मैं ड्राइव कर रहा हूं। क्या कर रहा है तू? रुको ना। अरे क्या चल रहा है? अच्छा घर क्यों रहे हो? गस के पकड़ना गाइस। गो गो गो। Just shut up, okay? Let's go.
अब किस तरह? बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए हाईवे छोड़ दिया जाए। एक्चुअली हमें रुककर उनकी मदद करनी चाहिए थी। वहाँ बहुत से लोग हैं, संभाल लेंगे। What do you mean? मदद हम ही क्यों करें? कोई भी कर देगा। हाँ, कोई भी करेगा, पर हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ गाने गाएंगे। अबे यार, असली गोल्ड है या नकली है कैसे पता चलेगा? एक काम करें, मंत्री का घंटा चुरा लेते हैं। मंदिर से चप्पल चुरा लेते हैं? क्या? भिखारी के कटोरे से चिल्लर चुरा लेते हैं। मुझे 40 रुपए की जरूरत नहीं है, 40,000 रुपए की जरूरत है। कभी तो दिमाग चला। बचपन में स्कूल गया था तो ये दिन नहीं देखा। वाह 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 वाह, 40,000 बस स्टॉप पे अपना इंतजार कर रहा है। भाग यार, ये तो अपनी ले लेगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बहुत ज्यादा मेरा नेकलेस कैसा है? ऑफ कोर्स बहुत। शारजा जाने की और नए साल की मुबारकबाद आपा। थैंक यू। आपा, अगर आप शारजा चले गए तो हमें पैसे कौन देगा? तुम्हारे बड़े दद्दू। किधर है बड़े दद्दू? किधर हूँ। एक बार और सोचिए आपा, आप मेरे साथ शारजा चलिए। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ बेटा। आखिर क्या रखा है यहाँ? मेरा बचपन, मेरी यादें, सब यहाँ पर है बेटा। अपने मुल्क से मैं भाग तो नहीं सकता। भाग तो मैं भी नहीं रहा हूँ, बेहतर जगह जा रहा हूँ। अब्बा, यहाँ जिंदगी महफूज नहीं, यहाँ हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं। यहाँ डर लगता है, डर खाए जा रहा है। डर है, जब इंसान डरने वाला होता है तो वो कहीं भी जाए उसे डर लगता है बेटा। जहां 10 हिंदू जमा हो जाएं, मुस्लिम डरने लगता है। अगर 10 मुसलमान जमा हो जाएं, तो हिंदू डरने लगता है। भीड़ की ज़हनियत। भीड़ की ज़हनियत? रहीम, जो पैदा नहीं हुआ उसे उन्होंने मिलकर मार दिया। मैं कैसे बताऊं? आपको क्या मालूम कि इसका दर्द क्या होता है? रहीम, मुंबई मैं आ गई। हेलो। चाहिए? बेड़ा गर्क हो तेरा। कमो चल ना, ये मुआ मुझे छेड़ रहा है। चेन भी ले गई। रिंग जा रही है, गोटिया उठा नहीं रहा है। ले पड़े उस गोटिया को, हमें यहाँ बुला के भाग गया। वापस फोन कर। जरा ये नंबर लगा दीजिए। ये सुनना, इधर सब लोग मेरे को ही क्यों देख रहे हैं? देखने देना, लोग हमें और फिल्म स्टार्स को देख के खुश होते हैं। बराबर। साहब, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ साहब, सीतापुर का रहने वाला। सुन, मैं नजदीक लेकर जाता हूँ, तू खींच लेना। क्या? मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। फट्टू कहीं का, खड़ी रहना। तू चला, आ बैठ। दिख, डर मत, बस उसके पास जाना। चल 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 चल, आराम से आराम से।
जल्दी आओ पूजा। चेन खींचना इतना आसान नहीं है बिड़ू, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अबे राजू, तीन गलतियां की तूने। पहली, बंगले के बजाय बस्ती में पैदा हो गया तू। दूसरी, चेन खींचने की प्रैक्टिस नहीं की। तीसरी, पूजा के माँ पर ही हाथ साफ कर दिया। थू! तुझे उस लड़की से प्यार है? वो तो सॉलिड चिकनी है। पटाने के लिए बहुत खर्चा किया। अरे तूने क्या खर्चा किया होगा? कितना किया तुझे बताऊं? और तेरा ताका कैसे भिड़ा? देख कल्लू, दुनिया में सिर्फ दो कास्ट होती है, एक उनकी वाली, एक अपनी वाली। एक रिच कास्ट और एक पुअर कास्ट। टाका भिड़ाने के लिए कास्ट की नहीं, कैश की जरूरत होती है। रोकड़ा। उत्तरी पूजा तो उठाना। हाय बेबी। चोर हो तुम। तुम वहां स्टोर के बाहर कर क्या रहे थे? तुम्हारे लिए आया था। तुमने तो मेरी मॉम को डरा ही दिया। वो तुम्हारी मॉम थी? हम शाम को मिलने वाले थे ना, तो जल्दबाजी क्यों? तुम्हें देखने का मन किया तो। सो स्वीट। अरे हाँ, गले में रुमाल क्यों पहना था? एकदम मवाली लग रहे थे तुम। सॉरी। और तुम्हारे साथ वो कालिया कौन था? वो ब्लैकी, वो मेरा ड्राइवर था। एक्चुअली मैं उसे ड्राइविंग सिखा रहा था। क्यों मारा? सो सॉरी। कोई बात नहीं, जब शाम को मिलोगे ना तो मॉम को सॉरी बोल देना। या या श्योर। पासेस ले लिए ना तुमने? हाँ, लेकर आ रहा हूँ ना, ऑन द वे। किससे बात कर रही थी? सरप्राइज, शाम को मिलवा दूंगी। 40,000 रुपए कहाँ से चुराए यार? ऐसी लड़की के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं बॉस, है ना? हाँ। चल बैठ, दूसरी एरिया में ट्राई करते हैं।